श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 1 सितंबर यानी कि मासिक शिवरात्रि का बहुत ही विशेष सा दिन है ना। और अगर आपकी ये इच्छा है कि महादेव आपके परिवार की रक्षा स्वयं करें तो ये वीडियो आपके लिए है। बस आज रात में अपने घर पे सर्प शिव दीपक लगाना, क्योंकि इस बार की मासिक शिवरात्रि पे सर्प योग लग रहा है, तो आप सभी को इस दीपक को लगाना है जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। बहुत ही छोटा सा, बहुत ही आसान सा उपाय है, तो आप सभी को ज़रूर करना होगा, ठीक है ना। इसके लिए हमें क्या करना है, हमें ज़रूरत पड़ेगी एक दीपक की। देखो, ज़रूरी नहीं है कि आपको मिट्टी का ही दिया लेना, आपके पास में अगर आटे का दिया हो तो आटे का ले लो, और मिट्टी का हो तो मिट्टी का। और हाँ, एक चीज़ और, ये भी नहीं ज़रूरी है कि आपको नया दीपक ही लेना है, आप चाहो घर में आपके पुराना दीपक है उसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। चलो नियम समझते हैं। आपको क्या करना है, इस दीपक के अंदर आपको डालना होगा सबसे पहले क्या, घी। और घी कौन सा डालोगे, गौ माता के दूध से बना हुआ, ठीक है ना। घी डाल दिया, अब घी डालने के साथ में आपको क्या करना है, इसमें गोल बत्ती का दिया लगाना। कौन सा लगाओगे, गोल बत्ती का, लंबी बत्ती के दिए का प्रावधान नहीं होगा, ठीक है ना। जला दिया, अब अभी नहीं जलाया, मतलब दीपक तैयार कर लिया। अब आपको उस दीपक को जलाना है अपने घर के मेन गेट के बाहर, वो भी कब करना है, आज रात में करना है। सुबह का टाइम नहीं जला सकते, रात में ही आपको इस उपाय को करना है, शाम को 6 बजे के बाद कभी भी कर लो, ठीक है ना। देखो, जलाओगे कहाँ पे, जब हम अपने घर के अंदर घुसते हैं तो हमारा जो राइट साइड होता है उसी राइट साइड आपको जलाना है, ठीक है ना। जलाने के साथ में आपको एक नियम फॉलो करना है, आपको उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी एक शमी के पत्ते की, ठीक है ना। शमी का पत्ता सबसे पहले क्या करेंगे, ज़मीन पे आपको रख देना है, और जो मैंने दीपक आपको दिखाया उस दीपक को शमी के पत्ते के ऊपर रखेंगे, और उसके बाद में उस गोल बत्ती के दीपक को आपको लगाना होगा भगवान शिव शंभु का कोई सा भी नाम लिखे, चाहे वो आपको अवधूतेश्वर महादेव, कुंदकेश्वर महादेव, या फिर श्रम्भेश्वर महादेव, जो नाम आपको पसंद हो, जो नाम आपको याद हो, या फिर कुबरेश्वर ही महादेव के नाम से आप किसी भी नाम से दीपक को प्रज्वलित करेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब आप दीपक को जला दें, दीपक को प्रज्वलित कर दें, दीपक के अंदर आपको 2 काली मिर्च डाली, कितनी काली मिर्च डालोगे, आपको 2 काली मिर्च इसी जलते हुए दीपक के अंदर, जिसने भी डाल दिया उनके घर में कभी काल सर्प दोष नहीं लग सकता। इस मासिक शिवरात्रि का ये उपाय आपको करके ज़रूर देखना चाहिए, ठीक है ना। तो पहले उपाय की हमने बात की, बहुत इजी, बहुत ज़्यादा आसान सा ये उपाय था। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और ये जो दूसरा उपाय है आपको शमी के पत्ते के साथ में करना। एक चीज़ और आपको समझा दूँ, जैसे मान लीजिए कि अगर आपको शमी का पत्ता नहीं मिल पाता है, आपके घर में नहीं है, आपके आसपास नहीं है, या फिर कहीं पर भी नहीं मिल पा रहा है, तो आपको शमी के पत्ते की जगह पर चावल के दाने का इस्तेमाल आप कर लिया करो, ठीक है ना। बार बार इस बात को नहीं बताऊँगा मैं, बार बार शमी का पत्ता ही बोलूँगा, बट आपके पास में ना होगा तो चावल का दाना देना, ठीक है ना। चलो बात करते हैं दूसरे उपाय की। सबसे पहले समझते हैं कि भैया इस उपाय को हम करेंगे तो बेनिफिट क्या होगा। अगर आपके घर में धन संपदा की कमी होती है, माँ लक्ष्मी का वास घर में नहीं है, बहुत ज़्यादा चिंतित हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो आप इस उपाय को ज़रूर करेंगे, ठीक है ना। समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इस उपाय को समझने से पहले हम समय को समझ लेते हैं। इस उपाय को करोगे कब, इस उपाय का 2 नियम है। अगर इस उपाय को आपको करना है तो प्रदोष काल में करना, मासिक शिवरात्रि के दिन प्रदोष काल में करोगे। बट अगर मान लीजिए किसी भी कारण से आप ऑफिस में रहते हो, फिर किसी काम में फंस गए हो और प्रदोष काल में इस उपाय को नहीं कर पा रहे हो, तो रात में फिर 9 बजे के बाद कभी भी कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन या तो प्रदोष काल में करोगे या तो रात में 9 बजे के बाद करोगे। समझ में आई मेरी बात इतनी ना। चलो अब बात करते हैं हम लोग इस उपाय की। आपको ज़रूरत पड़ेगी शमी के पत्ते की। कितने पत्ते लेने हैं, आपको ज़रूरत पड़ेगी कम से कम 3 पत्ते लेना, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी इच्छा, ठीक है ना। लेकिन कम से कम 3 पत्ते लेंगे। साथ ही साथ हमें ज़रूरत पड़ेगी इस तरीके से हल्दी की, है ना। हल्दी आपको सूखी नहीं लेनी, मतलब लेनी तो सूखी है, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसका एक पेस्ट तैयार, समझ रहे हो मेरी बात को, पेस्ट बना लेना, और फिर इस हल्दी वाले पेस्ट को उस शमी के पत्ते को अच्छे तरीके से उसमें डाल देना। चाहे आपने 3 लिया हो या 30 लिया हो, जितने भी लिए हैं आपको उसमें डाल देना है। फिर तांबे का लोटा लीजिएगा, उसमें जल भरिएगा अपने घर से, और इसी जल के अंदर आपको थोड़ा सा गंगा जल भी ज़रूर डालना होगा, ठीक है ना। बात मेरी समझ में आ रही ना आपको। इतना तैयार हो गया, अब इसे लेकर के कब जाओगे, टाइम मैंने बता ही दिया, या तो प्रदोष काल में या फिर रात में 9 बजे के बाद। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, 9 डायरेक्शन। जैसे ही आपने हल्दी का नाम सुना होगा आपके दिमाग में एक ही बात आई होगी, भैया हल्दी तो महादेव को नहीं चढ़ती, लेकिन जब भी किसी विशेष दिन, किसी विशेष परिस्थिति में हमें कोई उपाय करना होता है तो आप हल्दी का इस्तेमाल
कर सकते हो, ठीक है ना। तो क्या करना है, सबसे पहले एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना। अब आपके पास में एक हल्दी की कटोरी है छोटी सी, और उसी हल्दी की कटोरी में आपने क्या डाला है, शमी के पत्तों को। उसमें से एक एक शमी का पत्ता निकाल करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको चिपकाते जाना है कुंद केश्वर महादेव के नाम से। किसके नाम से, कुंद केश्वर महादेव। जरूरी नहीं है कि सिर्फ महादेव के शिवलिंग के ऊपर ही, अगर आपके पास में ज़्यादा शमी के पत्ते हैं तो पूरे शिवलिंग के ऊपर आप चिपका सकते हैं। जो भी व्यक्ति मासिक शिवरात्रि पे इस उपाय को शमी के पत्र वाला कर लेता है, उनके घर में कभी धन संपदा की कमी नहीं हो सकती, हमेशा माँ लक्ष्मी का वास उनके घर में बना हुआ होता है, ठीक है ना। करके देखिएगा, भूलना किसी को भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि करना है आपको मूंग के दानों के साथ में, वो भी अपने घर पे करना, शाम को करना है, बहुत परेशान नहीं होना। लेकिन कैसे करना है मैं आपको तब बताऊंगा जब आप सभी लोग कर देंगे वीडियो को लाइक। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। चलो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इस उपाय के आपको बेनिफिट क्या मिलने वाले हैं। अगर कोई भी व्यक्ति घर में आपके बीमार पड़ा है और उसकी बीमारी ही ठीक नहीं हो पा रही, जिसके लिए आप बहुत टेंशन में हो, बहुत इलाज करा लिया, सब कुछ करा के देख लिया, तो आप इस उपाय को जरूर करेंगे। उसके लिए हमें मूंग के दानों की जरूरत पड़ेगी। यहां पे गिनती नहीं गिननी है, 2, 4, 10 नहीं, हमें एक चुटकी मूंग के दानों को लेना होगा, ठीक है ना। ले लिया, लेने के साथ में हमें ज़रूरत पड़ेगी इत्र की। ऐसा शिव महापुराण की कथा में लिखा है कि एक सुगंधित वस्तु हमें लेनी है। तो सुगंधित वस्तु में क्या आता है, आपका सबसे उत्तम माना जाता है, सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, क्या, इत्र माना जाता है, ठीक है ना। तो इत्र लेना। अब इत्र को लेने के बाद में तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर जल भरिएगा। साथ ही साथ मासिक शिवरात्रि का कोई उपाय कर रहे हैं तो क्या डालेंगे इसके अंदर, गंगा जल डालेंगे, और जो मैंने आपको इत्र दिखा दिया उस इत्र को भी 2, 4, 10 बूंद डाल देना है ना। डाल दिया। अब उसके बाद में क्या करना है, आपको लेके पहुंचना है महादेव के शिवलिंग के पास में। जो मूंग का दाना आपके पास में है, अभी उस मूंग के दाने का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सबसे पहले पहुंच करके आपको एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से वही इत्र वाला अवधूतेश्वर महादेव, कौन से महादेव, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करेंगे। जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है, परेशान है, उस बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलेंगे, ठीक है ना। जल चढ़ा दिया। यही जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा, इस जल को रोक लेना, और जो आपके पास में हरा या और खड़ा मूंग है, उस खड़े मूंग को 3 स्थान पे समर्पित करेंगे। सबसे पहला स्थान माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, ठीक है ना। दूसरा स्थान माता का हस्त कमल, और तीसरा स्थान उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के, जो भी व्यक्ति आपके घर में बहुत दिनों से परेशान है। अगर आपने इस मूंग के दाने का उपाय करके देख लिया, यकीन मानिए इंसान की जो बीमारियां होंगी बहुत जल्दी धीरे धीरे करके ठीक ज़रूर होंगी, है ना। बाकी जो जल आपने यहाँ पर रोका है, उस जल को लेके आप अपने घर पर जाना, जो भी आपके घर में जितने भी कमरे हों उन सभी कमरों में उसका छिड़काव कर देना, ठीक है ना। समझ रहे मेरी बात को। तो 3 उपाय की बात हमने कर ली है। आगे इस वीडियो के सबसे आखिरी बहुत ही फेमस उपाय की, जिसकी बात पूज्य गुरुजी अपनी लगभग लगभग सभी कथाओं में करते हैं, जो कि एक चावल के दाने से करना है। कहोगे भैया इसके क्या फायदे हैं, इसका एक फायदा है और वो है इच्छा पूर्ति। बहुत दिनों से परेशान हो अपनी मनोकामना को लेके, तो अब ये दिन है, आपको इस उपाय को करना होगा, ठीक है ना। उसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ एक चावल का दाना लेना है, जो कहीं से खंडित ना हो, कहीं से टूटा हुआ ना हो, ठीक है ना। चावल का दाना लेने के बाद में एक आपको तांबे का लोटा लेना है, उसमें जल भरिएगा, और इसी जल के अंदर एक बेलपत्र आपको लेना है, जो कहीं से कटा फिटा हुआ ना हो, ठीक है ना। डाल दिया। और उसके बाद में पहुंच जाना सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। जो मैंने आप लोग को एक चावल का दाना दिखाया, उस एक चावल के दाने को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित कर देना। और जब यहां पे समर्पित करोगे तो यहीं पे ही आपको अपनी मनोकामना, अपने विशेष, उस एक चावल के दाने को समर्पित करते समय ही बोल देना है। किससे कहोगे, माता अशोक सुंदरी से कहनी है आपको अपनी इच्छा। और फिर लास्ट में आपके पास में जो तांबे के लोटे में जल है बेलपत्र वाला, वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर कुंद केश्वर महादेव के नाम से, अगर इस मासिक शिवरात्रि पे आपने इस उपाय को कर लिया, तो बरसों पुरानी जो आपकी मनोकामना होगी, जो आपकी विशेष होंगी, वो पूरी जरूर होंगी, है ना। तो मैंने कोशिश की आज आपके 1 सितंबर के मासिक शिवरात्रि के बहुत स्पेशल से उपाय को समझाने की। बाकी वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नहीं समझ में आया नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।